नमस्कार दोस्तों। अब से कुछ समय पहले तक मुझे लगता था कि रामायण सच नहीं है, झूठ है, होक्स है, फ्रॉड है, छल है। ऐसा लगता था कि ये बातें सही नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर अपनी लाइफ में मैंने अपने से ये सवाल किया कि रियलिटी क्या होती है। हम जो कह रहे हैं कि ये सच नहीं है, तो सच क्या होता है? जब हम किसी चीज को कहते हैं कि ये चीज रियल है, तो उस रियल होने का क्या मतलब है? और जब इस सवाल के गहरे में मैं उतरा, तो मुझे पता चला कि रामायण रियल है, ट्रू है, असली है। अब जैसे ये पेन रियल है, प्लास्टिक से बना है, 3 रुपए इसकी कीमत है। लेकिन जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि ये पेन अल्बर्ट आइंस्टीन का है, स्टीफन हॉकिंग का है, ओशो का है या कृष्णमूर्ति का है, तो आपका बिहेवियर इस पेन के प्रति बदल जाएगा, आपका बर्ताव इस पेन के प्रति बदल जाएगा। ये पेन अब भी प्लास्टिक का ही है, अब भी इसकी कीमत वही है, लेकिन आपका बिहेवियर इसके प्रति कैसे बदल गया? आप जिसको भी अपनी लाइफ में अपना आइडियल मानते हैं, उस जिसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर ये पेन उसका हुआ, तो आपका बिहेवियर इस पेन के प्रति बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? आपको आपका जो बिहेवियर बदलेगा, आपको किसने सिखाया कि इस पेन के प्रति आपका बिहेवियर बदलना चाहिए? कैसे आपके बिहेवियर में वो चेंज कैसे आया? क्योंकि जरूर इस पेन के साथ कुछ ऐड हुआ। जैसे ही मैंने ये कहा ये अल्बर्ट आइंस्टीन का पेन है, तो इस पेन के साथ कुछ ऐड हुआ। वो जो इस पेन के साथ ऐड हुआ, क्या वो रियल है? हम उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। देखने में ये सिंपल पेन है, लेकिन वो चीज रियल होगी। फिर भी रियलिटी का मतलब सिर्फ चीजें ही नहीं होती, रियलिटी का मतलब उन चीजों के प्रति हमारा बिहेवियर भी है। और हम सोशल एनिमल्स हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो रियलिटी का मतलब जिस ढंग से जीवन जिया जाए, वो भी एक रियलिटी है अपने में। और रामायण में जीवन को कैसे जीना है, उसके गहरे राज छुपे हैं, और वो राज सही हैं, ट्रू हैं, उतने ही ट्रू जितना ये प्लास्टिक का पेन है, बल्कि उससे भी ज्यादा ट्रू। अब जैसे आप हैं और आपका कोई दोस्त है, और आपके दोस्त को किसी तीसरे व्यक्ति ने आपके बारे में बुरा भला कहा, इतना बुरा कहा कि आपके दोस्त ने आपसे दोस्ती तोड़ दी, तो आप जब उस बात को एक्सप्रेस करेंगे, या जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं लोग कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच किसी तीसरे व्यक्ति ने आग लगा दी। आग लगा दी? आग का क्या मतलब है? कैसे आग लगा दी? आग का तो मतलब फ्लेम्स से होता है ना, जहां हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, जहां कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच आग लगा दी? तो क्या आप झूठ कह रहे हैं? नहीं, आप सही कह रहे होंगे, आप अपनी तरफ से झूठ नहीं कह रहे होंगे। और ये वाली जो आग होगी, ये भी उस वाली आग से या उस वाली आग की तरह ही रियल होगी जिस आग में फ्लेम्स होती हैं। आपके और आपके दोस्त के बीच कुछ था, एक संबंध था, जिसको आग लग गई। और शायद इसी तरह से सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, शायद वो जो आग की वहां बात की गई है, वो वाली आग नहीं है, फ्लेम्स वाली जिससे जल जाती है स्किन, वो दूसरी आग है। और क्योंकि कोई भी संबंध हो, अगर वो एक आग से बचा रह जाए, तो ही वो पवित्र है। अगर वो आग में जल जाए, तो वो पवित्र नहीं है, वो रखने लायक नहीं है संबंध। लेकिन वो वाली आग नहीं जिसकी जिसमें से
हीट निकलती है, ये दूसरी आग की हम बात कर रहे हैं और ये भी रियल है। रामायण या हमारे ग्रंथ हमें जीवन जीना सिखाते हैं, हमें वो बिहेवियर सिखाते हैं जिन बिहेवियर से लाइफ में शांति हो, स्टेबिलिटी हो, हमारी लाइफ स्टेबल हो। और इन अर्थों में ये रियल हैं। तो टाइटल है वीडियो का कि हु इज राम, श्री राम कौन है मेरी नजरों में। तीन पॉइंट्स पर मैं अभी बोलने वाला हूं। पहला पॉइंट होगा कि राम विष्णु के अवतार हैं, दूसरा पॉइंट कि राम दशरथ पुत्र हैं, और तीसरा पॉइंट राम राक्षसों का वध करने वाले हैं, राक्षसों का खात्मा करने वाले हैं। तो पहला जो बिंदु है वो ये कि राम विष्णु के अवतार हैं। हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति की कल्पना की गई है, त्रिमूर्ति की बात की गई है, त्रिमूर्ति जिसकी वजह से ये सृष्टि चल रही है। वैसे तो एक परम ब्रह्म है, लेकिन सृष्टि के अलग अलग पहलुओं को दिखाने के लिए तीन देवों की बात की गई है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश यानी कि शिव। श्री राम विष्णु के अवतार हैं, इसका अर्थ क्या है ये समझने के लिए हमें पहले त्रिमूर्ति को समझना होगा। सबसे पहले शिव की बात करें तो शिव त्रिमूर्ति में संहार करने वाले माने गए हैं, नाश करने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले, डिस्ट्रक्शन लाने वाले। और आपने भी अपनी लाइफ में डिस्ट्रक्शन, बर्बादी कभी ना कभी फेस की होगी। तो शिव डिस्ट्रक्शन लाने वाले हैं, बर्बादी लाने वाले हैं। डिस्ट्रक्शन एक भारी शब्द है। डिस्ट्रक्शन अगर आपने अपनी लाइफ में देखा नहीं है तो पनिशमेंट जरूर आपको मिली होगी। पनिशमेंट एक हल्का शब्द है डिस्ट्रक्शन के लिए ही। पनिशमेंट आपके टीचर से, आपके माँ बाप से, या अगर आप सड़क पर भी लापरवाह होकर चल रहे हैं, बेफिक्र होकर चल रहे हैं, तो आपको सड़क पे जो पत्थर होंगे उनसे ठोकर जरूर लगेगी, खून भी आ सकता है। तो ये पनिशमेंट कहाँ से आई? लाइफ में पनिशमेंट्स मिलती हैं हमें अपनी ही गलती के कारण। वो पनिशमेंट का सोर्स क्या है, पनिशमेंट देने वाला कौन है? वो है शिव। और लोग तरह तरह से बर्बाद होते हैं, पैसे की और शोहरत की बुलंदियों पे आके बर्बाद होते हैं। क्यों बर्बाद होते हैं? अपनी गलतियों के कारण। और अपनी गलती पे सजा कौन देता है? शिव। और वैसे शिव को भोलेनाथ कहा गया है, उन्हें प्रसन्न करना आसान है, बस कोई बेवकूफी मत करो। शिव को ध्यान में रखो तो शिव प्रसन्न होते हैं और सजा नहीं देते। अब इसी तरह जो दूसरे देव हैं वो हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया है, ये दुनिया क्रिएट की है। ब्रह्मा जी क्रिएटिविटी के सोर्स हैं। क्रिएटिविटी हमारे चारों तरफ है। किसी स्त्री का किसी बच्चे को जन्म देना, जमीन में किसी बीज का अंकुरित होना, प्लांट का बाहर आना जमीन से, किसी आर्टिस्ट का पोएट्री लिखना, कोई पेंटिंग बनाना, ये सब क्रिएटिविटी है। और क्रिएटिविटी का सोर्स क्या है? क्रिएटिविटी के सोर्स हैं ब्रह्मा जी। और इस रूप में ब्रह्मा जी को त्रिदेव में इमेजिन किया गया है, सृजन के देव। इंटरेस्टिंगली रामायण वाल्मीकि जी की क्रिएटिविटी का नतीजा है। और वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, वो खुद को उन्होंने एक पात्र के रूप में भी लिखा है रामायण में। तो रामायण में एक वर्णन है, वाल्मीकि जी अपने शिष्य भारद्वाज के साथ नदी पर स्नान करने जाते हैं। वहां पर वो एक पक्षी का जोड़ा देखते हैं। वो पक्षी का जोड़ा एक दूसरे से प्रेम में होता है कि तभी एक शिकारी नर पक्षी को मार देता है। और इस वियोग को देख के वाल्मीकि जी के अंतःकरण से जो बात उनके होठों पे आती है, वो अचानक से जो वो बोलते हैं, वहाँ जो वो फील करते हैं एकदम से, इस वियोग को देख के, इस जुदाई को देख के, इस अलगाव को देख के कि नर पक्षी मर जाता है, उसको देख करके अचानक से जो उनके मुख पे बात आती है,
वो कहने के बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो पोएट्री थी। वो अपने शिष्य भारद्वाज को बुलाते हैं और भारद्वाज से कहते हैं कि ये जो मेरे मुख से अचानक ही बात निकली, इसको याद रखना, ये श्लोक के रूप में निकली है और इसको हम वीणा पर गा सकते हैं। इस घटना के बाद खुद ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी के पास आते हैं। सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी वाल्मीकि जी के पास आकर कहते हैं कि आपको श्री राम के जीवन को लिखना चाहिए। और फिर वाल्मीकि जी श्री राम के जीवन को प्रत्यक्ष देखते हैं। और ऐसा ही होता भी है। जैसे मैं भगत सिंह के बारे में पढ़ता हूं तो किताबों में से पढ़ के आपको पता लग जाता है कब क्या हुआ, क्रोनोलॉजी क्या थी, किस तारीख को कब कैसे क्या होना था। लेकिन अगर आप भगत सिंह के ऊपर गीत सुने, रागिनी सुने, तो ऐसा लगता है कि आप उनसे मिलकर आए हो, आप वहीं उनके साथ जेल में कुछ समय बिता के आए हो। एक कवि के पास ये शक्ति होती है, एक आर्टिस्ट के पास ये शक्ति होती है। वो आर्टिस्ट जो क्रिएटिविटी से ब्लेस्ड है, उसके पास ये शक्ति होती है कि उसको टाइम मशीन की जरूरत नहीं है, वो पास्ट में जा सकता है, फ्यूचर में जा सकता है। वो किसी इंसान से बिना फिजिकली मिले उससे मिल सकता है और अपनी कविता के माध्यम से हमें भी मिलवा सकता है। ठीक इसी तरह से वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, वो भी क्रिएटिविटी से ब्लेस्ड थे वाल्मीकि जी, तब उन्होंने श्री राम के जीवन को प्रत्यक्ष देखा। लेकिन सिर्फ ब्रह्मा जी और शिव जी ही सृष्टि को चलाने के लिए काफी नहीं है। सिर्फ क्रिएटिविटी अपने आप में आपकी एक अच्छी लाइफ की गारंटी नहीं देती, क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब, आप अगर क्रिएटिव हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप सृजन करते हैं कुछ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत सारे आइडियाज आते हैं। और आप फिर जिसको बहुत सारे आइडियाज आते हैं, उनमें अक्सर मैंने ये देखा है कि वो एक आइडिया को पूरा नहीं करते, तभी दूसरे आइडिया पे काम शुरू कर देते हैं, दूसरे को भी पूरा नहीं करते, तीसरे पे काम शुरू कर देते हैं। क्रिएटिव लोगों को नए नए एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं और नए एक्सपीरियंसेस खतरनाक भी हो सकते हैं। क्रिएटिव लोग अक्सर नियम कायदों को, रीति रिवाज को नकारते हैं और ऐसा करना उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये रीति रिवाज, नियम कायदे हमारे फायदे के लिए ही बनाए गए हैं। तो क्रिएटिव होना अपने आप में बहुत खतरनाक भी हो सकता है। सिर्फ ब्रह्मा और शिव जी ही काफी नहीं है, एक तीसरी फोर्स की जरूरत है, एक तीसरी फोर्स की जरूरत है जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन में बैलेंस लेके आए, जो स्थिरता लेके आए, जो ऑर्डर लेके आए। वो तीसरी फोर्स है विष्णु जी, और श्री राम विष्णु के अवतार हैं। तो लाइफ में जो शांति, स्थिरता, ऑर्डर, बैलेंस लेके आए, वे हैं श्री राम, क्योंकि वे विष्णु के अवतार हैं। क्रिएशन चलती रहती है, डिस्ट्रक्शन चलती रहती है, लेकिन अलग अलग टाइम पर वो बिहेवियर जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच बैलेंस लेके आएंगे, वो अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए कभी विष्णु जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं, तो कभी लीला करने वाले श्री कृष्ण के रूप में। तो ये मतलब है कि श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं। श्री राम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह से एक्ट करते हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं कि उनके बिहेवियर लाइफ में, अगर उन बिहेवियर को और सब लोग अपनाएं, उनसे सीखें, तो और सब की लाइफ में भी बैलेंस, स्थिरता, ऑर्डर, शांति आएगी, और सबकी लाइफ में भी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी। जब क्रिएशन हावी है, जब आप, अगर आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, तो भी आपको श्री राम की जरूरत है। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत डर के रहते हैं शिव जी से, नियम कायदों में बंध के रहते हैं,
और कुछ पॉजिटिव नहीं कर रहे आप लाइफ में, क्योंकि कुछ पॉजिटिव करने के लिए नियम कायदों के साथ थोड़ा खेलना भी पड़ता है, क्रिएटिव भी होना पड़ता है, तो भी आपको विष्णु जी की जरूरत है। तो ये अर्थ है त्रिमूर्ति का, और ये अर्थ है कि श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं, शांति लाने वाले। दूसरी बात, दूसरा जो बिंदु है वो है कि श्री राम दशरथ पुत्र हैं। अगर आप बहुत गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास किसी का ख्याल रखने को नहीं है, कोई आपको पसंद नहीं करता, तो आपको भविष्य की चिंता नहीं होगी। अगर आपको पता है आपका भविष्य बर्बाद है तो आपको भविष्य की चिंता नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, सम्मान है आपका समाज में, प्रतिष्ठा है आपके पास, तो भविष्य की चिंता आपको हो सकती है। तो एक अनसर्टेन भविष्य को लेके आप एंग्शियस हो सकते हो, चिंता में हो सकते हो। जिस तरह महाराज दशरथ थे, महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या का अर्थ हुआ जिसको युद्ध में ना जीता जा सके। और अयोध्या का क्या सुंदर वर्णन मिलता है रामायण में, कि चौड़ी सड़कें हैं, कोई गरीब नहीं है, कोई दीनहीन नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, सब ज्ञानी है वहां, सब अमीर है वहां। और अयोध्या के राजा महाराज दशरथ, लेकिन महाराज दशरथ भी चिंतित हैं। महाराज दशरथ महाराज होकर लापरवाह नहीं है, वो चिंतित हैं भविष्य को लेके, अपने और अयोध्या वासियों के भविष्य को लेके वो चिंतित हैं, क्योंकि उनके पास कोई पुत्र नहीं है। अगर आपके पास लाइफ में सक्सेस है या आप लाइफ में कुछ हो, तो आपको लापरवाह नहीं हो जाना है, एक पॉइंट पर आकर सीखना, मेहनत करना, रोक नहीं देना है, क्योंकि तब आप, हो सकता है जहां आप लाइफ में पहुंचे हैं उससे आगे ना बढ़ पाए, बल्कि उससे भी खतरनाक एक बात हो सकती है कि आप जहां लाइफ में पहुंचे हैं उससे नीचे गिर जाएं। तो दशरथ चिंतित हैं एक अनसर्टेन फ्यूचर को लेके, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं है, और पुत्र के लिए वो एक पुत्रेष्ठि यज्ञ कराते हैं। यज्ञ का मतलब एक रिचुअल से होता है, उस रिचुअल में एक रिवाज है, एक पूजा कह लीजिए आप, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, फल प्राप्ति के लिए। उस रिवाज में हम अग्नि को सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ सामग्री अग्नि में आहुति डालते हैं मंत्रों के साथ। और यज्ञ का एक अर्थ कर्म भी होता है, उस रिवाज से भी यज्ञ का मतलब है, और सैक्रिफाइस भी होता है यज्ञ। तो महाराज दशरथ एक अनसर्टेन भविष्य में सर्टेनिटी लाने के लिए, सुनिश्चितता, शांति, स्थिरता लाने के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो यज्ञ कर रहे हैं। और इस तरह आपको भी सैक्रिफाइस करना होगा, कर्म करना होगा, अगर आप भविष्य में कुछ सर्टेनिटी चाहते हैं, कुछ सिक्योरिटी चाहते हैं। जब एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो एक यज्ञ ही तो कर रहा है, जिसमें वो आहुति डाल रहा है अपने समय की, वो एक कर्म ही तो कर रहा है। और किस लिए कर रहा है, ताकि भविष्य उसका सर्टेन हो जाए। जब कोई पैसे जोड़ रहा है तो वो भी तो यही कर रहा है, वो एक यज्ञ कर रहा है, और उस यज्ञ में आहुति डाल रहा है अपनी मेहनत की, ताकि उसका भविष्य और ज्यादा सर्टेन हो जाए, और ज्यादा सिक्योर हो जाए। और महाराज दशरथ का यज्ञ सफल होता है, श्री राम उनके घर जन्म लेते हैं, श्री राम दशरथ जी के भविष्य में स्थिरता, सुनिश्चितता, शांति, स्टेबिलिटी लाने वाले हैं। अगर आपने अपने जीवन में कोई ऐसा काम किया है जिससे आपके जीवन में आपका भविष्य सिक्योर हुआ हो, तो आपके जीवन में भी श्री राम है, आपके जीवन पर फिर श्री राम की कृपा है। और सिर्फ दशरथ जी के जीवन में ही नहीं, श्री राम शांति लेकर आए, स्थिरता लेकर आए। श्री राम वे हैं जो एक व्यक्ति के जीवन में, फिर एक परिवार के, एक समाज के, एक देश के, और फिर पूरी दुनिया के जीवन में स्थिरता और शांति लेकर के आए, जो सुनिश्चितता लेकर के आए, जो अनसर्टेनिटी के भय को खत्म कर दें, वे श्री राम हैं।
जब महाराज दशरथ यज्ञ कर रहे थे तब उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा, और कई बार उसको कहते हैं दो तीन बार कि देखो यज्ञ में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यज्ञ से किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो सैक्रिफाइस वो कर्म अगर आपको या अगर आप अपने भविष्य को सर्टेन करने के लिए कोई कर्म करना चाह रहे हैं, अगर उस कर्म से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचता है तो वो कर्म कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए महाराज दशरथ कहते हैं अपने मंत्रियों से कि देखो यज्ञ में किसी प्रकार की कोई गलती ना होनी चाहिए, किसी को यज्ञ से कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, वरना हमारा यज्ञ सफल नहीं होगा। ये रियलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर आप अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए कुछ काम कर रहे हो, कुछ पाना चाहते हो आप अपनी लाइफ से, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, और उस प्रोसेस में अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। तो ये अर्थ है कि श्री राम दशरथ पुत्र हैं, यानी भविष्य जो कि अनिश्चित है, कुछ पता नहीं है, उसमें से शांति स्थिरता और ऑर्डर लाने वाले श्री राम। तीसरी बात है, श्री राम वो जो राक्षसों का वध करे, राक्षसों का खात्मा करे। राक्षस कौन? रामायण में रावण को राक्षस कहा गया है, और भी राक्षस हैं। राक्षसों से एक चीज को जोड़ा गया है जो कि है घमंड, ताकत का, पैसे का, ज्ञान का। राक्षसों को भी वरदान देते हैं, मिलते हैं देवताओं से, लेकिन वो घमंड करने लगते हैं, वो घमंडी हैं राक्षस। और ऐसा ही होता भी है, अगर आप देखो कि किसी को अगर घमंड हो जाए अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने ज्ञान का, तो फिर वो हर नई चीज से नफरत करने लगता है, क्योंकि नई चीज का मतलब यह कि उसको उसका ज्ञान नहीं है, और वो हर उस व्यक्ति से नफरत करने लगता है जो उससे ज्यादा ज्ञानी हो सकता है। और रामायण में वर्णन है कि राक्षस बिना बात ऋषियों को, लोगों को परेशान करते हैं। और ऐसा ही होता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि आप से ज्यादा कोई नहीं जानता, आपसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है, और ऐसा ही तो रावण को भी लगता था। उसके पास सोने की लंका थी, उसके पास पुष्पक विमान था, यानी टेक्नोलॉजी थी उसके पास, पावर थी उसके पास, पैसा था उसके पास, उसको लगने लगा था मैं सब जानता हूं, मैं इनविंसिबल हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बल्कि जब दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे तभी सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे, ब्रह्मा जी यानी सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी के पास, कि रावण का वध कीजिए। और फिर ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेके विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी को कहा कि आप मानव के रूप में अवतार लीजिए, क्योंकि रावण ने वरदान में मांग लिया था कि मुझे ये देवता ना मार सके, लेकिन अपने घमंड के कारण उसने ये नहीं बोला था कि मनुष्य ना मुझे मार सके, क्योंकि उसको ये लगता था मनुष्य वो तो कभी मुझे मार ही नहीं पाएगा, तो उसने ये मांगा भी नहीं था वरदान में। तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं असली जीवन में भी, जिन्हें ये लगने लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जो किसी की नहीं सुनते, जो किसी की नहीं सुनता व्यक्ति। और ऐसे आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो सुनने में विश्वास नहीं रखते, जो आपकी सुनते ही नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि वो ये मानते हैं कि और किसी के पास भी दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनके सुनने लायक हो, वो सुनते नहीं है, वो अपनी गलती नहीं मानते हैं। रावण को कई बार कहा गया, रावण को कहा गया था कि सीता जी को लौटा आओ, श्री राम से क्षमा मांग लो, लेकिन रावण अपने घमंड पे अड़ा रहा। तो रावण अपने सोने की लंका को जलवा बैठा और अपने साथ अपने सारे जान पहचान वालों को रावण ने बर्बाद करवा दिया। जब आप ऐसा बिहेव करने लगते हो कि आपको किसी से सुनना नहीं है, आपको आप सब कुछ जानते हो, आप सबसे ऊंचे हो, आप बाकी सबसे ऊंचे हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, तो आप अपनी गलती मानने से बचते हो। और जब आप अपनी गलती मानने से बचते हो तब वो गलतियां इकट्ठा इकट्ठा बूंद बूंद करके इकट्ठा होती जाती हैं, एक टाइम बॉम्ब टिक करने लगता है फिर, और तब आप बर्बाद कर देते हो खुद को भी और अपने परिवार को भी, अपने दोस्तों को भी, उन सबको जिनको आप जानते हो, उनसे उन सबको नीचे खींचते हो अपने साथ। और जब ऐसा होता है
तो आपका जीवन कड़वाहट से भर जाता है, आपके रिलेशनशिप्स बिटरनेस से, घृणा से भर जाते हैं, और तब आप बस दूसरों को परेशान करते हो बिना बात, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं होता। और इसी तरह वो राक्षस थे जिनका वध करते हैं श्री राम। अगर आप अपनी गलती नहीं मानते, और रावण को चेताने की कोशिश की गई थी, जब कोई राक्षस अपनी गलती नहीं मानता तब उसको कोई प्यार के कारण, उससे प्यारवश प्रेमवश होके उसकी कोई गलती याद भी दिलाए तो वो राक्षस उसे अपना दुश्मन मानने लगता है। जो राक्षस वो जो अपनी गलती बताए जाने पर जो गलती बता रहा है उसे अपना दुश्मन मान ले और गलती ना स्वीकारे। राक्षस वो जो अपने को ऊंचा मानता हो, जो झूठ बोलता हो। अगर आप झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, सिर्फ छल करने के लिए, सिर्फ झूठ बोलने के लिए ही छल करते हैं, झूठ इस मंशा के साथ बोलते हैं कि झूठ बोलकर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा। अगर आप इस मंशा के साथ झूठ बोलते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका परसेप्शन क्लियर नहीं होगा। सच अगर आपके और दूसरे लोगों के बीच रहता है तो आपको आपका परसेप्शन क्लियर रहता है दुनिया को लेके, आपको पता होता है आप कहां पे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन बहुत समय तक अगर आप लगातार झूठ बोलते रहो तो आपके और दुनिया के परसेप्शन के बीच धुंध आ जाती है, फॉग आ जाता है। और जब ऐसा होता है तब एक समय ऐसा आता है जब आपको खुद कोई डिसीजन लेना होता है लेकिन आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती डिसीजन लेने के लिए लाइफ में, क्योंकि आपका परसेप्शन क्लियर नहीं होता और झूठ आपको ले डूबता है, और आपके साथ साथ उन लोगों को ले डूबता है जो आपके दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं। और ये चीज आपके अंदर भी है, ये राक्षस दुनिया असली असली चीज है, राक्षस राम भी असली हैं। आपके अंदर राक्षस है, आपके अंदर एक चीज है जो ये घोषणा कर देना चाहती है कि मैं सबसे ऊपर हूं, जो बस झूठ बोल के सब चीजों को मैनिपुलेट करना चाहती है। कभी कभी आपका बोलने का मन करता है कि अरे भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा, डू हेल विथ इट। ये है राक्षसी तत्व, और ये आपको बर्बाद करके रख देगा, आपके आपके परिवार को बर्बाद करके रख देगा। और इस राक्षस का अपने भीतर वध करना है तो श्री राम को जीवन में उतारना होगा। श्री राम को जीवन में उतारना होगा से मेरा अर्थ है सत्य को अपने घमंड से ऊंचा रखना होगा, जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। अगर किसी को वादा दिया होगा तो निभाना होगा। यह है श्री राम को अपने जीवन में उतारने का अर्थ, और अपने अंदर के राक्षस का वध करने का अर्थ। और जब जब आप अपने अंदर के राक्षस का वध कर दें, तब शायद आप और जो और लोगों के भीतर के राक्षस हैं जो उस राक्षस का वध नहीं कर पाए, उन लोगों को आप समझा सको, कह सको, और अगर वो कहने से मात्र ना माने तब उनका वध कर सको। तो और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, रामायण बहुत बड़ी है, लेकिन अभी मैं आगे आने वाली वीडियोस में शायद कभी कुछ कहूं और भी। नमस्कार।